हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन को हटाया जा रहा है और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने भी कल लाइव माध्यम से जो है बताया कि 15 अगस्त से आप सभी के लिए लोकल ट्रेन एक बार फिर से शुरू होगी। उसके बाद से ही जी हाँ दोस्तों, आंकड़े अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ बदल नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र में जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से ही आंकड़ों में तेजी देखने को मिलना शुरू हो चुकी है। अभी तक ये आंकड़े जहाँ 3,000-4,000 के करीब थे, अब ये आंकड़े बढ़कर 6,000 के करीब पहुँच चुके हैं, जो अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय बन गया है। बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे जी ने कल जो है लाइव के माध्यम से जो है जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि ज़्यादा टाइम तक लॉकडाउन रहे। आम जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है और इसलिए वो चाहते हैं कि सबको धीरे धीरे खोला जाए। लेकिन उन्होंने इस चिंता को भी जाहिर किया कि जैसे ही लॉकडाउन को हटाया जाता है, उसके बाद तीसरी लहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि संयम के साथ आप सभी को जो कोविड का पालन करना है, नियम का, उसको करना होगा, अन्यथा तीसरी लहर बहुत जल्द आ सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो तीसरी लहर है वो सितंबर तक आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन को हटाया जा रहा है, उसके बाद से ये आंकड़ों में तेजी से शुरुआत हो चुकी है। उद्धव ठाकरे जी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आंकड़े बढ़ते रहे तो आने वाले कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों के भीतर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि ये तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा ताकि इसका जो प्रसरण है वो ज़्यादा ना फैल सके। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि लॉकडाउन लगाना इनका मेन मकसद नहीं होता, लेकिन जो कोरोना के नए वेरियंट आते हैं उसके जो है प्रसार बड़ी तेजी से हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन लगाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अभी के हालात ऐसे हैं कि आने वाले लगभग एक महीने तक आम आदमी को जो है पूरी तरह से सतर्क रहना है, क्योंकि तीसरी लहर से बचना है तो आपको कोविड के नियमों का पालन करना होगा। 15 अगस्त से आम जनता के लिए पूरी तरह से लोकल ट्रेन शुरू कर दी जाएगी, जो अपने आप में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। जी हाँ, आपने जो कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाई है उसका आपको बारकोड होगा आपके पास। उस बारकोड का इस्तेमाल आपको एक ऐप में किया जाएगा, जो आज या कल में जो है लॉन्च किया जाएगा। उसके ऐप के माध्यम से आपको पास मिल जाएगा और आप लोकल में सफ़र कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही।